सभी का मेरे चैनल पे। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेज बर्गर की रेसिपी। बच्चों से लेके कॉलेज स्टूडेंट तक सबको बहुत पसंद आती है, पर ये लोग हमेशा बाहर खाते हैं और हम वरी होते हैं कि इन्हें हेल्दी फूड नहीं मिलता। इन्हें हेल्दी फूड मिले इसलिए आज हम बनाएंगे वेज बर्गर की रेसिपी घर पर, ताकि बच्चों को मिले हेल्दी फूड। तो चलिए बनाते हैं। बर्गर के लिए हमें लगेगी सबसे मेन चीज आलू की टिक्की। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं आलू की टिक्की। ये इसमें हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, ये अदरक लहसुन है जो मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये थोड़ी सी गाजर है जिसे बारीक कट कर लिया है, हल्का सा पकाएंगे। अब हमने गैस की फ्लेम लो कर दी है ताकि हम मसाले डालें तो वो जले ना। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये 3 आलू है जिसे मैंने बॉईल करके कद्दूकस कर लिया है, ये मीडियम साइज के 3 आलू है, हम इसे इसमें डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने ड्राई मटर लिया है, इन्हें भिगो के मैंने 3 कुकर की सीटी ली है, ये इसमें ऐड करेंगे हम। आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक और इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे बीन्स या लौकी, आपको जो भी पसंद है। इसमें आप आपके बच्चों के हिसाब से भी उनकी फेवरेट सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे 2 मिनट पकने देते हैं। देखिए ये 2 मिनट हो गए हैं और ये सब्जी हमारी आलू टिक्की की बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी आलू टिक्की की सब्जी बनके रेडी है। इसमें मैंने थोड़ी सी गाजर और थोड़े से मटर डाले हैं। आपके बच्चे जो नहीं खाते, जो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे पालक हो गया, लौकी हो गई, ये बच्चे खाना पसंद नहीं करते, तो आप इसमें कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा और जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन होते हैं वो उन्हें उसमें से मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसकी टिक्की। ये थोड़ी सी सब्जी लेंगे हम, ये देखिए इतना बॉल बना लेना है इसका और हाथ से हम इसे शेप दे देंगे पैटीज की तरह धीरे धीरे। ये हमारा जो पैटीज है ये बिल्कुल बर्गर के साइज का या बर्गर से थोड़ा छोटा होना चाहिए, मगर बर्गर की साइज से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप इसे इस तरह से ये देखेंगे, हमारी आलू टिक्की बनके रेडी है। ये देखिए बिल्कुल बर्गर के साइज की बनी है, ना थोड़ी ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, इसी साइज की आप भी बनाइए, इससे बड़ी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इसके क्रिस्पीनेस के लिए हम बनाते हैं कॉर्नफ्लावर का घोल। ये 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा पानी मिला के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे हम। ये देखिए ये कॉर्नफ्लावर का एक घोल रेडी कर लिया है, ये इस तरह से चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना मोटा। तो चलिए अब ये हमने मैदा लिया है, ये आलू की टिक्की हम मैदे में पहले रैप कर लेते हैं। इसे अच्छे से मैदा लगा लीजिए आप सब तरफ से। और अब हम इस कॉर्नफ्लावर के घोल में डालेंगे इसे,
देखिए ये अच्छे से हो गई है। अब हम इसे लगाएंगे ब्रेड स्क्रम। इस तरह से आप इसे इसमें ओवर कोट कर दीजिए। इससे क्या होता है ना, ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये मैंने एक बार किया है, यदि आप चाहें कि ये और भी क्रिस्पी बने तो आप इसे डबल से यही प्रोसेस करिए। पहले मैदा लगाइए, फिर कॉर्नफ्लोर के इसमें डिप करिए और फिर वापस से ब्रेड क्रम्स लगा दीजिए। आप ये दो बार करेंगे तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो अब ये रेडी है, चलिए अब हम इसे कहते हैं डिप फ्राई। ये टिक्की डीप फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं और अब हम इसमें डालते हैं ये आलू की टिक्की। ये हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है ताकि ये अंदर तक के पक सके और अच्छी क्रिस्पी बन सके। ये देखिए ये हमारी आलू की टिक्की एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन होके रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी आलू टिक्की बनके रेडी है। तो चलिए अब करते हैं बर्गर को असेंबल। असेंबल करने से पहले ये जो बर्गर बन है इसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। इसे हम थोड़ा सा पैन पे बटर लगा के सेक लेते हैं। ये पैन पे हम लगा लेंगे थोड़ा सा बटर और इस तरह से हम इसे थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये हमारा बर्गर सेक के रेडी है। तो चलिए अब करते हैं असेंबल। ये बर्गर लेंगे हम, इसके ऊपर लगाएंगे ये मेयोनीज। अब इसमें हम लगाएंगे लेटस के पत्ते, बोले तो सलाद के। इस पर रखेंगे आलू की टिक्की। अब इसके ऊपर जाएगी चीज की स्लाइस। अब रखेंगे हम इसके ऊपर टमाटो, प्याज और ये बर्गर मेयोनीज है जो मैंने रेडीमेड यूज कर रही हूँ। आपके पास नहीं हो तो आप सादे मेयोनीज में टमाटो केचप भी मिक्स कर सकते हैं। ये डालेंगे हम इसके ऊपर। तो ये हमारा बर्गर बनके रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके।